Hello, my dear student. I hope you are doing well. In our last English lesson, we started our poem First Day at School and we have completed it. Now we are going to know about a very interesting story. What is it? It is Haldi's Adventure. Let's see what is in this story. Haldi's Adventure. Who is Haldi here? Do you want to know? Look at this picture. A very beautiful and little girl who is Haldi and her friend Giraffe. She is looking at the giraffe wearing a big glasses holding a book in his hand. Adventure. Adventure means जो काम हम लोग आमतौर पर नहीं करते और वो काम करने से बहुत खतरा भी होता है पर बहुत मजा भी आते दैट मीन एडवेंचर लेट्स रीड दिस स्टोरी वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू स्कूल सी मेट अ जिराफ द जिराफ ओर पिक ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड ओर मतलब पहनना द जिराफ क्या पहना था बिग ग्लासेस बड़ा चश्मा पहना था और हाथ पे बुक था उसका देखो हल्दी ही स्माइल्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग हल्दी द जिराफ सेड टू स्माइल हल्दी गुड मॉर्निंग हल्दी लुक एट हिम आई एम सॉरी टू स्टेयर शी सेड हल्दी ने उसके ऊपर देखा और बोला आई एम सॉरी स्टेयर मतलब घूरना आई एम सॉरी आपको मैं घूर रही हूँ बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू एंड हल्दी नेवर मेट अ जिराफ लाइक दिस वन व्हाई बिकॉज दिस जिराफ इज यूनिक शी इज वेयरिंग अ बिग ग्लासेस holding a book which seems like she is very studious. My name is Smiley, said the giraffe. The giraffe said that her name is Smiley. Whenever you see me, you will smile. The giraffe said that whenever the Haldi will look at her, she will automatically smile. Haldi was surprised and happy too. Surprised means आश्चर्यचकित होना और हल्दी बहुत आश्चर्य भी थे और बहुत खुश भी थे देन सी रिमेम्बर्ड फिर उसको याद आया दैट सी वुड बी लेट फॉर स्कूल सो सी सेड टू द जिराफ आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट रश मतलब जल्दी से हल्दी ने जिराफ को कहा कि मुझे अच्छा लगता आपसे बात करने को पर मुझे अभी जाना है स्कूल पे क्योंकि मुझे लेट हो रही है स्कूल के लिए सो स्टूडेंट अप टू हेयर वी हैव कंप्लीटेड हाफ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड वी विल कंप्लीट आवर स्टोरी इन आवर नेक्स्ट पार्ट इन पार्ट टू टिल देन टेक केयर I hope you have understood this lesson. Thank you.